हाय दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ तो क्लिक कर लेते हैं पर हमको समझ नहीं आता है कि हम अपनी फ़ोटोज़ को कौन से ऐप्स के अंदर एडिट करें। सो गाइस, आज मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ टॉप 5 फोटो एडिटिंग ऐप्स जो आपकी फ़ोटोज़ के अंदर चार चांद लगा देंगे। सो गाइस, वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं हम हमारी वीडियो की तरफ। तो गाइस, मैंने जिस एप्लीकेशन को नंबर 5 के ऊपर जगह दी है, इस एप्लीकेशन का नाम है फोटो रूम एप्लीकेशन। एंड गाइस, यहाँ पर से आपको सिंपल सा स्टार्ट फॉर्म फोटो पर टच करना है एंड यहाँ पर से आपको अपना फ़ोटो इंपोर्ट कर लेना है। तो गाइस, मैं अपने यहाँ पर से कुछ ये वाला फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर से गाइस हमारा 5 सेकेंड के अंदर बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। सो गाइस, इसके बाद आपको यहाँ पर से टच करना है अपने फ़ोटो के ऊपर एंड इसको आपको यहाँ पर से गैलरी पर सेव कर लेना है एंड इसके बाद यहाँ पर से आपको सेव टू गैलरी पर टच कर अपना फ़ोटो गैलरी में सेव कर लेना है। सो गाइस, आपको ये वाली एप्लीकेशन कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलते हैं हमारी अगली एप्लीकेशन की तरफ। सो गाइस, मैंने जिस एप्लीकेशन को नंबर 4th पर रखा है, इस एप्लीकेशन का नाम है पॉलिश फोटो एडिटिंग ऐप। एंड गाइस, यहाँ पर से आपको फ़ोटो पर टच करना है। टच करने के बाद गाइस, आप यहाँ पर से एक फ़ोटो अपना सेलेक्ट कर लेना एंड गाइस, यहाँ पर से आपको इसको ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस दिखेगा। सो गाइस हम चलते हैं सबसे पहले फ़िल्टर पर एंड यहाँ पर से आप काफ़ी सारे फ़िल्टर देख सकते हैं प्रीसेट वाले एंड यहाँ पर से आप इनको अप्लाई कर अपने फ़ोटो को काफ़ी अच्छी टोन दे सकते हैं। सो गाइस, आप देख ही सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने अपने मॉडल के फ़ोटो के ऊपर फ़िल्टर को अप्लाई करा एंड हमारे फ़ोटो के अंदर काफ़ी अच्छी टोन आ चुकी है। सो गाइस, इसके बाद हमको चलना है ग्लिच वाले ऑप्शन पर एंड यहाँ पर से आप अपने फ़ोटो के अंदर एक ग्लिच भी ऐड कर सकते हैं एंड आपको यहाँ पर से काफ़ी सारे ग्लिच वाले ऑप्शन दिख जाएंगे। एंड इसके बाद गाइस, आपको यहाँ पर से एडजस्ट पर आना है। यहाँ पर से आप अपने फ़ोटो की ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इनको नहीं छेड़ूंगा एंड यहाँ पर से मैं इसको राइट कर दूंगा। एंड गाइस, इसके बाद आपको यहाँ पर से इफ़ेक्ट वाला ऑप्शन दिखता है एंड यहाँ पर से आप काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, आप यहाँ पर से लाइट इफ़ेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी फ़ोटो के अंदर काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आ जाएगा एंड यहाँ पर से आप काफ़ी सारे ऑप्शन देख सकते हैं। एंड गाइस, इसके बाद हमको बैक आना है एंड इसके बाद गाइस, आपको यहाँ पर से काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाते हैं जैसे कि ब्लर है, ऐड फोटो है एंड यहाँ पर से आप ऐड फोटो भी कर सकते हैं अपने फ़ोटो एडिट करने के लिए। तो गाइस, आपको यहाँ पर से डबल एक्सपोज का भी ऑप्शन दिख जाता है एंड यहाँ पर से आपको बॉडी वाला ऑप्शन पर टच करना है एंड यहाँ पर से आपको टैटू पर टच करना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से आप अपने टैटू को यहाँ पर ऐड कर अपनी फ़ोटो को काफ़ी अमेजिंग सा बना सकते हैं। तो चलते हैं हमारे अगली एप्लीकेशन की तरफ। सो गाइस, मैंने नंबर 3rd पर जिस एप्लीकेशन को रखा है, इस एप्लीकेशन का नाम है VSCO। एंड गाइस, ये वाली एप्लीकेशन भी काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है। आपको यहाँ पर से इंपोर्ट पर टच करना है एंड यहाँ पर से आपको अपना फ़ोटो ओपन कर लेना है। सो गाइस, आपको यहाँ पर से ओपन होते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो गाइस, आपके सामने यहाँ पर से काफ़ी सारे प्रीसेट वाले फ़िल्टर्स ओपन हो चुके हैं एंड सो गाइस, आप देख ही सकते हैं कि हमारे वन टच के अंदर ही काफ़ी गजब की यहाँ पर टोन आ चुकी है। सो गाइस, आप यहाँ पर से वन टच के अंदर अपनी फ़ोटो के अंदर एक गजब की टोन ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाली एप्लीकेशन कैसी लगी एंड सो गाइस, आप यहाँ पर से टूल वाले ऑप्शन पर आकर अपने फ़ोटो का एक्सपोजर एंड सैचुरेशन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी अगली एप्लीकेशन की तरफ। सो गाइस, मैंने नंबर 2nd पर जिस एप्लीकेशन को रखा है, इस एप्लीकेशन का नाम है मोशन लैब। एंड गाइस, आपने विजय महर की कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग तो देखी ही होगी, वो भी इसी ऐप से एडिट होती है। यहाँ पर से न्यू क्रिएशन कर अपना फ़ोटो ऐड कर लेना है, आपको जिस भी फ़ोटो के अंदर मोशन ऐड करना है। सो गाइस, इसके बाद आपको यहाँ पर से टच करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस दिखेगा एंड यहाँ पर से आपको एनिमेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर से इसको टच करना है। सो गाइस, आपको जस्ट इस तरीके से एक ड्रॉ करना है। आपको जहाँ पर भी मोशन ऐड करना है आपको कुछ इस तरीके से एक ड्रॉ करना है एंड इसके बाद आपको जहाँ पर भी इसको स्टॉप करना है आप यहाँ पर से कुछ ये वाला इफ़ेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एंड इसके बाद मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। एंड गाइस, इसके बाद आप यहाँ पर से अपने मोशन की
स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा एंड यहाँ पर से हमको स्काई वाले ऑप्शन पर टच करना है। सो गाइस, इस ऑप्शन से आप अपने फ़ोटो के अंदर स्काई भी मोशन कर सकते हैं एंड जस्ट वन क्लिक के अंदर आपके बैकग्राउंड के अंदर स्काई मोशन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर से हमको बैक आना है एंड यहाँ पर से गाइस आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन भी दिख जाएगा। आप काफ़ी कमाल के इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाइस यहाँ पर से आपको दिखता है डिस्प्रिन वाला ऑप्शन। एंड इसके बाद वापस से हमको बैक आना है एंड यहाँ तो गाइस इसके बाद आपको यहाँ पर से ऑप्शन दिखता है ओवरले का एंड यहाँ पर से आप काफ़ी सारे ओवरले ऐड कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पर से आप इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं एंड यहाँ पर से हम वापस से बैक आएंगे। एंड गाइज यहाँ पर से आप एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं एंड यहाँ पर से आप इसकी एडजस्ट भी कर लेना साइज अपने हिसाब से। एंड गाइज इसके बाद हमको वापस से बैक आना है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स वाले ऑप्शन भी दिख जाते हैं एंड इसके बाद यहाँ पर से आपको एडजस्ट पर आना है एंड यहाँ पर से आप अपने हिसाब से इसकी ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइस चलते हैं हम हमारी अगली एप्लीकेशन की तरफ। नंबर फर्स्ट पर जिस एप्लीकेशन को रखा है, इस एप्लीकेशन का नाम है स्नैपसीड एंड ये वाली एप्लीकेशन मेरी खुद की पर्सनल फेवरेट है। एंड गाइस यहाँ पर से आपको प्लस वाले ऑप्शन पर टच कर अपना फ़ोटो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। सो गाइज यहाँ पर से हमारा फोटो एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर से आपको टूल वाले ऑप्शन पर आना है। एंड गाइज जैसे ही आप यहाँ पर टूल वाले ऑप्शन पर टच करेंगे एंड यहाँ पर से आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एंड सबसे पहले आपको देखने को यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा ट्यून इमेज का एंड यहाँ पर से गाइज अपने हिसाब से आप कॉन्ट्रास्ट एंड सैचुरेशन एंड हाइलाइट्स एंड शेडो भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर से अपने फ़ोटो के अंदर थोड़ी सी शेडो ऐड करूँगा एंड यहाँ पर से मैं हाइलाइट्स भी ऐड करूँगा एंड यहाँ पर से मैं इसको राइट कर दूँगा। एंड गाइस इसके बाद आपको यहाँ पर से वाइट बैलेंस का ऑप्शन दिख जाता है एंड यहाँ पर से आप अपने फ़ोटो के अंदर डिटेल भी डाल सकते हैं एंड यहाँ पर से आप अपने फ़ोटो के अंदर शार्पनेस भी ऐड कर सकते हैं। एंड गाइस इसके बाद आपको यहाँ पर से सेलेक्टिव वाला ऑप्शन दिख जाता है एंड यहाँ पर से आप अपने स्किन को ब्राइट कर सकते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पर से काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं एंड यहाँ पर से आपको हीलिंग वाला ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पर से आप अपने फेस के ऊपर पिंपल्स भी हाइड कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पर से आपको लेंस ब्लर वाला ऑप्शन दिख जाता है जिससे आप अपने फ़ोटो के अंदर एक कमाल का ब्लर ऐड कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पर से आपको पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन मिल जाता है एंड यहाँ पर से आप अपने फेस के ऊपर एक फोकस लाइट भी ऐड कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पर से आपको स्किन स्मूथनेस का ऑप्शन दिख जाता है, यहाँ पर से आप अपनी स्किन को काफ़ी अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पर से आप अपनी आइज़ के अंदर क्लियरिटी भी ऐड कर सकते हैं। एंड गाइस आपके सामने यहाँ पर से HDR वाला इफेक्ट भी है, इस इफेक्ट से आप अपने फ़ोटो के अंदर एक HDR इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पर से आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। तो गाइज़ ये थे कुछ 5 गजब के फोटो एडिटिंग ऐप्स। गाइज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा फोटो एडिटिंग ऐप्स कौन सा लगा। एंड गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।